हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम आज इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सात ताल से। तो अभी हम सात ताल पहुंच गए, नैनीताल को बाय बाय बोल दिया था हमने। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सात ताल हैं, इसलिए इसका नाम सात ताल रखा गया है। तो सात ताल की जो जो लेक्स हैं उसका नाम है राम, सीता, लक्ष्मण, फिर एक हो गई हनुमान, एक हो गई हरीश लेक, एक हो गई गरुड़ लेक और एक है नल दमयंती। तो ये टोटल सात लेक हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम सात ताल पड़ा हुआ है। बाकी मैं आपको मेन जो यहाँ की सात ताल की लेक है वो मतलब मेन जो लेक्स है वो दिखाता हूँ, जहाँ पे सारी एडवेंचर एक्टिविटीज और बोटिंग वगैरह जो भी होती है वो सब मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो ये आप देख रहे हो टूरिस्ट रेस्ट हाउस है यहाँ का, गवर्नमेंट वाला, जो कुमाऊं मंडल विकास निगम का है। और इस साइड लेक है। एक्चुअली जो लेक है ये तीन लेक्स एक साथ हैं, राम, सीता और लक्ष्मण, इसलिए इतनी बड़ी है। जो सात लेक्स हैं उसमें से तीन लेक यहीं पे मिलती हैं। ये सात ताल लेक है, जो तीन मैंने आपको बताया राम, लक्ष्मण, सीता लेक जो है यहाँ पे मिलती हैं, तो पूरी इतनी बड़ी लेक बन जाती है। बाकी की जो चार लेक्स है वो दूसरी साइड है, अगर हो पाए तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आगे आप बोटिंग, सिप लाइन, कयाकिंग सब कुछ कर सकते हो, सारी चीज की फैसिलिटीज है यहाँ पे। ये कयाकिंग के लिए है यहाँ पे पूरा, बोटिंग का इस साइड है, बाकी छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी है अगर आपको खाना वाना खाना है यहाँ पे। तो उधर से उधर पूरा जिप लाइन के लिए, तो बस इतना सा ये सात ताल का एरिया। यहाँ पे इस साइड पे सारे रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने के लिए, नीचे आगे बोटिंग का एरिया हो गया, बच्चों के लिए कुछ बना रखा है। यहाँ पे कयाकिंग हो गया, जिप लाइन हो गया, बोटिंग का उस साइड से है। तो ये है सात ताल लेक का मेन एरिया जो कमर्शियलाइज्ड है। बाकी जो इसकी बाकी की चार लेक्स हैं, हनुमान लेक, हरीश लेक, गरुड़ लेक और दलबयंती लेक, वो ज्यादा इतना कमर्शियलाइज नहीं है कि सब कुछ मतलब ये सारी चीजें वहाँ मिलेगी, वो बस नॉर्मल लेक्स है। आप जाओ वहाँ पे जाके फोटोग्राफ वगैरह क्लिक करा सकते हो, बस इतना ही है। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है, मतलब एज इन होटल्स वगैरह, प्राइवेट होटल्स भी हैं, अगर आपको यहाँ पे आके स्टे करना है तो वो भी कर सकते हो। सामने इधर पे YMCA का लेक व्यू है, बाकी कुमाऊं मंडल विकास निगम का खुद का अपना टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, थोड़ा ऊपर की साइड भी है कुछ। तो ऐसा कुछ है सात ताल का एरिया घूमने के लिए। तो बस ये था सात ताल में दिखाने के लिए। बाकी अब मैं आपको ले जाता हूँ नौकुचियाताल, और नौकुचियाताल में जाके देखते हैं क्या है वहाँ पे, और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास वहाँ पे अगर आप घूमने जा रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया राम, लक्ष्मण और सीता लेक तो एक साथ है, बाकी की जो चार लेक्स है वो जो मेन रोड है उसी से 200-400 मीटर की दूरी पे है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण जो लेक जहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं वहां तक तो गाड़ी जाती है, बाकी की जो लेक्स है वहां पे आपको 200-400 मीटर पैदल जाना पड़ता है। तो आपको रास्ते के कुछ शॉट्स दिखाता हूं, बाकी आपको नौकुचियाताल में मिलते हैं। तो जो नल दमयंती लेक यहां से नीचे जाने का रास्ता है उसका पैदल, उसके लिए भी पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी ऐसे रोड पे पार्क करके नीचे से जाना पड़ता है। तो ये है बिरला कॉलेज, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज, भीमताल में है ये। तो यहां से मेरे कजिन्स ने पढ़ाई कर रखी है। हम लोग पहुंच गए नौकुचियाताल। नौकुचियाताल को लेक ऑफ नाइन कॉर्नर्स कहते हैं, नौ कोने हैं इस लेक के, तो इसलिए इसको नौकुचियाताल बोलते हैं। और ये कुछ ऐसी है देखने में, यहाँ पे बोटिंग वगैरह का है, इधर पे आगे उधर पे जिप लाइन भी है और शिकारा बोट स्टाइल भी है, जैसे कश्मीर वगैरह में होती है वैसे शिकारा बोट स्टाइल भी चल रही है यहाँ पे। बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज और भी होती होंगी यहाँ पे, भी कयाकिंग वगैरह होती है आई थिंक। और मैंने ऑनलाइन ये भी पढ़ा था कि इस लेक के अंदर एक हिडन रूट भी है जो कि चाइना निकलता है, वो कितना सच है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, बट ये मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो इससे मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले हम जैसे सात ताल गए थे, सात ताल एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेवन लेक, जिसमें से राम, सीता और लक्ष्मण ताल तीनों जुड़े हुए, जो एक्चुअली इस वजह सात ताल के नाम पर है, जिसके चारों तरफ कमर्शियल एक्टिविटी वो सब कुछ होता है। उसके अलावा जो बाकी नल दमयंती ताल, जो ही हम भीमताल से सात ताल की तरफ जाते हैं तो ऊपर रोड से दिख जाता है, बट उसमें गाड़ी खड़ी करके कम से कम 500 मीटर अंदर पैदल जाना पड़ता है। बाकी जो हरीश ताल और हनुमान ताल है वो दिखते नहीं है रोड से, उनके लिए भी ऐसे 500 मीटर 700 मीटर पैदल जाना पड़ता है। एक गरुड़ ताल है। तो जब हम आप नैनीताल से इधर को आ रहे हो तो नैनीताल से भवाली 11 किलोमीटर है, भवाली से भीमताल करीब 10 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन भवाली से 6 किलोमीटर के बीच में ही सात ताल को सेपरेट एक रोड निकल जाता है, वापस फिर आके भीमताल आ सकते हो। और भीमताल से 5-6 किलोमीटर दूर नौकुचियाताल है, जैसे कुमाऊनी में कहते हैं क्वच, क्वच मतलब कोना, तो इसके नौ कोने हैं इसलिए नौकुचिया हो गया है। तो ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम का टूरिस्ट रेस्ट हाउस, और बाहर से देख के तो रूम्स वगैरह
वगैरह लग रहे हैं मुझे कि बहुत अच्छे हैं, बिकॉज एकदम लेक फेसिंग है ये सारे। यहाँ पे आप देख सकते हो बालकनी है और सामने लेक है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। और अभी हमने यहाँ पे आके अपना लंच करा है, लंच मतलब ऐसी ब्रेक, खाना वाना खाया थोड़ा बहुत। सो नौकुचियाताल को अब बोलते हैं बाय बाय और चलते हैं भीमताल की तरफ। सो नौकुचियाताल उस साइड था और उसके बिल्कुल ही साइड में ये कमल ताल है, बिकॉज इसमें लोटस फ्लावर्स आप देख सकते हो हैं, कमल ताल इसलिए बोलते हैं। ये देखो हर जगह ऐसे लोटस फ्लावर्स, मतलब अभी खिले हुए नहीं है। तो ये भी नौकुचियाताल के रास्ते में एक मंदिर है, हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, जय बजरंग बली, आप देख सकते हो बड़ा ही सुंदर मंदिर है। तो अभी हम लोग पहुंच गए भीमताल, और भीमताल का नाम जो पड़ा है वो जो महाभारत में भीम थे उनके नाम पे पड़ा हुआ है, बिकॉज ये सबसे बड़ी लेक है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। इसका मेन अट्रैक्शन है ये जो आप देख रहे हो, ये बीच में जो आइलैंड है छोटा सा, इसमें एक्वेरियम है, एक्वेरियम कैफे है और एक्वेरियम भी है इसके अंदर। और अभी पता नहीं यहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बिकॉज कोरोना टाइम है। बाकी आप यहाँ पे आके बोटिंग वगैरह कर सकते हो और वेदर काफी अच्छा हो गया इस टाइम पे। और ये कुछ भीमताल की मार्केट है, खाने पीने की दुकान है, बाकी ऐसे स्टॉल्स हैं, और आगे यहाँ पे होम स्टेज और होटल्स भी मिल जाते हैं आपको अगर आपको रहना है तो। तो अभी हम जा रहे हैं जो थोड़ा सा बीच का एरिया है, जहाँ से एक्वेरियम नहीं जो आइलैंड है जहाँ पे वो सब दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल लेक है और काफ़ी बड़ी है। तो आप देख सकते हो जो आइलैंड है बीच में लेक के, यहाँ पे है एक्वेरियम कैफे और लेक हिल, द लेक हिल करके लिखा हुआ है, आई थिंक कुछ रहने का भी होगा वहाँ पे मे बी। और वेदर कुछ ऐसा है अमेजिंग का, ये लेक जो है भीम ने भीम के नाम पे पड़ी थी। हाँ, महाभारत तो महाभारत में जब वो हिमालय की तरफ जा रहे थे, एक्चुअली हिमालय में पांच चुलिया इन्हीं के नाम पे है, पांच पांडवों के नाम पे। तो जब ये अपने लास्ट टाइम पर निकल रहे थे हिमालय, तो रास्ते में इधर से निकल रहे थे, तो अब बताते हैं कि द्रौपदी को प्यास लगी थी, उस समय भीम ने यहाँ पे गदा मार के यहाँ पर पानी निकला था, और यही कहीं फिर द्रौपदी ने भीम का मंदिर बनाया, भीमेश्वर टेम्पल है। तो ये जो मंदिर है भीमेश्वर मंदिर के नाम से है, जो कि यहाँ पे जो भीम है उनकी याद में बनाया था। ये 17th सेंचुरी का मंदिर है, तो आप देख सकते हो कितना पुराना है ये मंदिर। तो आप देख सकते हो जो डक्स है देखो कैसे लाइन में जा रही है, और एक लाइन उधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, पता नहीं ऐसे लाइन में क्यों चल रही है, कुछ इनकी आई थिंक असेंबली चल रही है शायद। और ये कबूतर बैठा हुआ है डर रहा है, और वो देख सकते हो अब डक, अब इनकी आई थिंक प्रेयर खत्म हो गई है असेंबली से, अब ये जा रहे हैं अपने अपने घरों पे। तो वो लोग तो वहाँ पे हो गए फुल टू पार्टी मोड में, और ये लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं वैसे बताऊँ तो अगर आप नैनीताल से कंपेयर करो तो भीमताल, जैसे नैनीताल काफी क्राउडेड रहता है और काफी भीड़ भड़का है वहाँ पे और शोर शराबा है, तो भीमताल उसके ऑपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पे शांति मिलेगी आपको, इतना ज्यादा क्राउड भी नहीं है। तो मुझे याद है एक बार मायसन के साथ जब आए थे हम, मम्मी पापा और मैं शादी से पहले, तो मेरी यहाँ पे मायसन के साथ पिक्चर है, अगर मिलेगी तो डाल दूंगा। सो अब भीमताल को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया है, बाय भीमताल। काफी अच्छा लग रहा है, अभी देखो आप सनलाइट पड़ रही है ना, तो लेक कितना सुंदर लग रहा है। ये ऐसे कुछ मार्केट है छोटी मोटी। तो ये भीमताल का मल्यताल एरिया है, बिकॉज ये ऊपर वाला एरिया है और नीचे वाला एरिया वहाँ है जहाँ से मैंने अभी आपको पूरा दिखाया था भीमताल पोतरलीताल एरिया। तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर रेड वाला, जिसमें रेड टॉप वाली जो बिल्डिंग है, जो घर है, यहाँ पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे इसको प्रीति जिंटा का घर बनाया था, तो यही था ये ऊपर वाला कोई मिल गया जो फर्स्ट आई थी सबसे पहली वाली। सो फाइनली अब इतने दिनों के बाद हम लोग पहाड़ों को बाय बाय कहते हुए नीचे जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। काफी दिन हम पहाड़ों पे रुके, मतलब अलग अलग जगह कवर करी, और आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा देखने में, जहां भी हम आपको ले गए और जो जो जगह दिखाई वो देखने में आपको मजा आया होगा। तो बस अब हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां मम्मी काफी परेशान है, मायसन ने काफी परेशान कर रखा है मम्मी को अकेले, तो वो हमें रोज फोन करके बोलती थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं, और मैं पापा से भी पूछना चाहूंगा कि पापा को मेरे साथ इस बार ट्रिप पे कैसा लगा, बिकॉज आई थिंक हमने बहुत 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 सालों बाद पापा और मैं सिर्फ आए ट्रिप के लिए, और मम्मी के बिना आए पापा, तो मैं पूछना चाहूंगा पापा को, पापा आपको कैसा लगा फिर? देखो ड्राइविंग वाइज तो कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी के साथ ही मैं ड्राइव करता हूँ, तेरे साथ ही मेरे को ही ड्राइव करनी पड़ी। और लेकिन जहाँ तक है दूसरी साइड में खाने पीने के मामले में कोई बंदिश नहीं थी, वो बड़ी बंदिशें डाल देती थी, तो वो बंदिशें सब कैसी कैसी बंदिशें, मतलब कि यहाँ नहीं खाना वहाँ नहीं खाना टाइप, नहीं नहीं कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, पियो ये पीने पाने का। अच्छा
तो आप समझ सकते हो पापा क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं। वो उस टाइप की कोई बंदिश नहीं थी, ऑब्वियसली मैं तो कुछ कहूंगा नहीं पापा को। मम्मी होती है तो गुस्सा हो जाती होंगी मम्मी या टोकती होंगी, मना करती होंगी, तो इसलिए पापा को ये इस बार तो ये इस चीज में तो काफी मजा आया। और बस यहीं तक था हमारा पहाड़ का सफर और अब जा रहे हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी से मे बी कल या परसों हम लोग दिल्ली के लिए चले जाएं, देखते जो भी होगा वो आपको बता दूंगा मैं। और हल्द्वानी जाके भी थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करूंगा मैं, वहां पे भी मेरे को कुछ चीजें दिखानी है आपको अपने मामा के घर के वहां पे और वो सब। तो यही था इस व्लॉग में आज के लिए, यहां तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर 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 करना। और आप कमेंट करके प्लीज बताना कि आपको ये जो हमने व्लॉग्स बनाए ये उत्तराखंड के आपको कैसे लगे, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है किसी चीज, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और बस बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बाकी पुरानी वीडियोस भी देख लेना। पापा आप कुछ बोलोगे? मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे ब्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लय कुमाऊनी गढ़वाली उत्तराखंड लोग बाहर देखी, सरबद्ध निवेदन है कि खूब मात्रा में ये वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर। तो बस ये पापा ने आपको बता दिया क्या करना है। बाकी आप या जैसा भी आपको लगा हो, अगर वीडियो जैसी भी लगी हो आप प्लीज कमेंट करके बताओ, तो उससे हम लोग इम्प्रूव ही करते हैं ऑब्वियसली। आप अगर कुछ गलत बता दो तो हम उससे इम्प्रूवमेंट ही होती है हमारी। और ये देख लो जाने से पहले सुसाइड पॉइंट है, यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है सुसाइड पॉइंट पे। जाते हुए मौसम देख लो यार, काफ़ी मिस करूँगा ऐसे मौसम को, ऐसे वेदर को काफ़ी मिस करने वाला हूँ। पूरा क्लाउडी और ऐसे ऐसे ठंडा ठंडा हो रहा है, मेरे को अभी हवा लग रही है, विंडोज़ ओपन है, तो काफ़ी अच्छा वेदर है। और दिल्ली में जाके वापस गर्मी, हाई गर्मी होने वाला है। तो बस मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एंड सी यू एंड बाय बाय।